यस पीपील गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्स so, बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं सो so, आम रिवाइज करने वाले हैं पीजीबीपी के बाद वाले टॉपिक तो आपका लास्ट लेक्चर जिसमें हमने पीजीबीपी को रिवाइज किया था बहुत ज्यादा टाइम लिया था तो पीजीबीपी के बाद वेलकम बैक फॉर द रिविजन लेक्चर और अभी आज हम रिवाइज करने वाले आईसीडीएस सबसे पहले और इनकम कंपटीशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड इस वाले टॉपिक में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहली चीज बताइए करने पड़ते हैं आईसीडीएस हर एस को फॉलो करने पड़ते हैं जो कि पीजीबीपी और आई के लिए अक्रूवल सिस्टम फॉलो करता है सो इफ यू फॉलो द अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा आईसीडीएस है वो आईसीडीएस फॉलो करने पड़ेंगे फॉर

और इनकम टैक्स एक्ट में या इनकम टैक्स रूल्स में उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन जीतेगा तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स एक्ट है इनकम टैक्स रूल्स है वो जीतेगा जीतेगा आईसीडीएस नहीं बट अगर आईसीडीएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन जीतेगा आईसीडीएस है वो आईसीडीएस ऑब्वियसली जीत जाएगा उसके बाद में क्वेश्चन यहां पर आता है कि सर एक बात बताइए अगर अपन मैट में जो इनकम कैलकुलेट करते हैं या एम में जो इनकम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए भी आईसीडीएस फॉलो करना है क्या आंसर देखो मैट के लिए तो फॉलो नहीं करना बिकॉज मैट जो होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स उसके लिए हम बुक प्रॉफिट का कैलकुलेट कैलकुलेशन करते हैं और बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेड्यूल का पी एंडल लेते हैं और उस पी एंडल में कुछ एड लेस करते हैं तो वहां पे आईसीडीएस फॉलो नहीं करना बट अगर एम के लिए जब आप एम के लिए क्या लेते हो एम के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम लेते हैं और एडजस्टेड टोटल इनकम में वो नेट टैक्सेबल इनकम बेसिस पे निकालते हैं नेट टैक्सेबल इनकम में कुछ चीजें एड करते हैं एंड ऑल तो वहां पर एम कैलकुलेशन के लिए आपको आईसीडीएस फॉलो करना पड़ेगा उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि सर आईसीडीएस एक बात बताइए जहां पे ग्रॉस बेसिस पे इनकम टैक्सेबल होती है ग्रॉस बेसिस पे इनकम टैक्सेबल होती है जैसे रॉयल्टी है इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन वन वन फाइव है ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होते हैं रेट टेन फाइव परसेंट एंड ऑल तो क्या वहां पे भी आईसीडीएस लगेगा आंसर इज यस वहां पे भी आपको आईसीडीएस फॉलो करना पड़ेगा लेकिन सर एक बात बताइए इनकम कंप्यूटेशन डिस्कलोजर स्टैंडर्ड जो है इसका डिस्कलोजर देते कहां पे है तो इसका डिस्कलोजर देते आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो फॉर्म नंबर थ्री सी डी आता है वो थ्री सी डी में इसका डिस्कलोजर है वो डिस्कलोजर देते हैं अब एक बात समझता सबसे पहला अकाउंटिंग जो आईसीडीएस

जो एक सेक्शन आती है 145 ए करके आपको ध्यान देना है सेक्शन 145 ए पे और 145 ए ये बोलती है कि भैया आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कैसे होगा तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है कॉस्ट और एनआरवी एवर इज लोअर पे लेकिन बेटा एक चीज समझना अगर कोई सिक्योरिटी है सिक्योरिटी में दो तरह की सिक्योरिटी हो सकती है एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड अगर आपकी कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी होती है तो लिस्टेड सिक्योरिटी को आप वैल्यू करोगे कॉस्ट और एवर इज लोअर बट सिक्योरिटी एज अ स्टॉक इन ट्रेड है

जैसे इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एक कैटेगरी है तो जितना भी इक्विटी शेयर है वो सब इक्विटी शेयर की कॉस्ट ले लीजिए और सब इक्विटी शेयर की एनआरवी ले लीजिए और कैटेगरी की टोटल लगाइए और वो टोटल को कंपेयर करके आपको एवर इज लोअर है वो आपको लेना है जैसे मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल दे रखा है और इस एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे देखिए जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है और इस एग्जांपल में दे रखा है जैसे शेयर्स है तो शेयर्स एक कैटेगरी हो गया तो यहां पे एक बात समझिए यहां पे स्क्रिप्ट वाइज जो है वो कंपैरिजन नहीं हो रहा है स्क्रिप्ट वाइज नहीं हो रहा है कैटेगरी वाइज हो रहा है इसका मतलब यहां पे टोटल कॉस्ट और 225 है तो हम क्या करेंगे? 220 है वो आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी लेकिन आप लोग अकाउंट्स में क्या करते हो स्क्रिप्ट वाइज है वो कंपैरिजन करते हो यहां स्क्रिप्ट वाइज कंपैरिजन नहीं करना है, या करना है और जब आप कैटेगरी वाइज करने जाएंगे ना तो हमेशा आपकी वैल्यू ज्यादा आएगी कैटेगरी वाइज में वैल्यू है वो ज्यादा आएगी और स्क्रिप्ट वाइज में वैल्यू है वो नॉर्मली कम आती है करके ठीक है चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दे रखा है पीजीबीपी वाले कंपाइलर में और कंपाइलर में आप जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 48 आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कैटेगरी वाइज कंपैरिजन कैसे करना है तो देखो नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक का आपको वैल्यू कैसे करना है कॉस्ट और एनआरवी इज लोअर लेकिन आप कॉस्ट और एनआरवी इज लोअर लेना है इन केस ऑफ सिक्योरिटी आल्सो अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटी है अगर वो अनलिस्टेड है तो ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वही आपको लेनी है लेकिन लिस्टेड के केस में आपको कैटेगरी वाइज कॉस्ट और एनआरपी बेच एवर इज लोअर लेना है अब यहां पे एक और चीज समझना कि जब भी इनकम टैक्स में आप परचेस को वैल्यू करते हो या फिर सेल ऑफ गुड्स को वैल्यू करते हो या फिर आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हो वो हमेशा आपको इंक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस लेना है

पे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है उसके बाद में मैं बताऊं देखो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस वाला जो आईसीडीएस है उसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी मॉनेटरी आइटम पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस है ना वो अभी एट द एंड ऑफ द ईयर मींस लास्ट डेट पे टैक्सेबल होगा या अलाउ होगा ऑन लास्ट डेट मार्च जो भी आइटम से रिलेटेड फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस है वो आपका टैक्स गेन है तो टैक्सेबल होगा और लॉस है तो अलाउ होगा लेकिन नॉन मॉनिट्री वाला जो है वो लास्ट डेट पे आपको अलाउ या टैक्सेबल नहीं करना है जब आपका सेटलमेंट होगा तो उस सेटलमेंट के टाइम पे क्या होगा वो टैक्सेबल होगा या फिर अलाउ हो जाएगा अब एक और चीज समझना एक सेक्शन फोर्टी ए होती है और फोर्टी ए क्या बोलती है कि इंडिया के बाहर से अगर आपने कोई भी असेट एक्वायर की है और उससे रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस होता है एट द टाइम ऑफ द पेमेंट तो वो उसकी कॉस्ट में एडजस्ट हो जाता है वो जैसा अपन फोर्टी थ्री ए में पढ़ा हुआ है वैसा का वैसा होगा तो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि लास्ट डेट पे ऑन द थर्टी मार्च मॉनिट्री आइटम से रिलेटेड फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन या लॉस है वो पी एंडल में जाएगा नॉन मॉनिट्री आइटम से रिलेटेड है वो अभी नहीं जाएगा जब सेटलमेंट होगा सेटलमेंट के टाइम पे जाएगा करके ठीक है चलिए उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट वाला पार्ट है उसमें आप सिर्फ इतना एक चीज याद रखेंगे जो अपन ने ऑलरेडी एक सेक्शन पढ़ेंगे एट द टाइम ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर कि लाइक गवर्नमेंट ग्रांट है ना वो आपका टैक्सेबल कब होता है इनकम टैक्स में एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट या तो गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाता है या फिर अक्रूड हो जाता है विच एवर इज अर्लियर अक्रूड का मतलब होता है उससे अटैच ऑलरेडी जो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो ऐसा माना जाएगा वो अक्रूड हो 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 गया तो कंडीशन सेटिस्फाइड जाती है या हो है या रिसीव जाता एवर इज अर्लियर वाला इवेंट रहेगा तब वो टैक्सेबल हो जाएगा उसके बाद में आप सिर्फ एक और चीज इस आईसीडीएस से रिलेटेड याद रख लेना दैट इज रिलेटेड टू द प्रोविजन क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए जो खर्चे के प्रोविजन होते हैं वो प्रोविजन अलाउ होते हैं या नहीं जैसे आप इनकम टैक्स में देखोगे तो इनकम टैक्स में पीजीबी एबीपी में एक सेक्शन फोर्टी सब सेक्शन सेवन थी वो ये बोलती थी कि भैया आपका प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी डिसअलाउड होता है तो वो ऐसे भी डिसअलाउड होगा लेकिन बाकी वाले अगर कोई भी प्रोविजन है तो जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी है या प्रोविजन फॉर अदर कोई प्रोविजन है तो क्वेश्चन ही आता है सर वो प्रोविजन अलाउ होंगे या नहीं तो ये आईसीडीएस बोलता है कि वो वाले प्रोविजंस अलाउ हो जाएंगे अगर यहां पे रीजनेबल सर्टेनिटी है

या तो एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो जाती है दैट इज या फिर दो कंपनी आपस में मिलके और कोई तीसरी कंपनी बनाते हैं दैट इज लेकिन amalgamation को अमलगमिशन बोलने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन ऑल अट एंड लाइबिलिटी है वो अमलगमेटिंग कंपनी की वो अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए एंड दूसरी कंडीशन ये है कि अमल कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर थे उसमें से एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर होल्डर वैल्यू वाइज शेयर होल्डर सेवेंटी फाइव परसेंट वैल्यू वाइज शेयर होल्डर है वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो उस पर्टिकुलर केस में वो अमलगमेशन माना जाएगा अब एक बात समझना अमलगमेशन के केस में क्या होगा होल्डर के, के हाथ में क्या होगा तो मैं शेयर होल्डर की बात करूं तो शेयर होल्डर को क्या होगा अमलगमेटिंग कंपनी के बदले उसको अमलगमेटेड कंपनी मिलेंगे. मिलेंगे तो जब वो पुरानी कंपनी के शेयर के बदले नई कंपनी के शेयर मिलेंगे वो ट्रांसफर नहीं माना जाता उस टाइम पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता

ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से और इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर से अब एक और चीज समझना जब भी अमलगमेशन होता है तो जो भी पीजीबीपी के लॉसेज है और अनएप ऑफ

एक सेगमेंट है तनिष्क ज्वेलरी वाला उसको अलग करके और एक नई कंपनी बना देते हैं तनिष्क लिमिटेड दैट इज कॉल योर डी मर्जर अब डी मर्जर के केस में क्या होता है जो पुरानी कंपनी है वो भी रहती है इन एग्जिस्टेंस तो उसको बोला जाता है डी मर्ज कंपनी और जो न्यू कंपनी बन जाती है उसको बोला जाता है रिजल्टिंग कंपनी अब एक बात समझना डी कब डी माना जाएगा उसमें कुछ कंडीशन है पांच कंडीशन है और इफ दिस फाइव कंडीशन आर सेटिस्फाइड एज डिजर फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि ये अंडरटेकिंग की ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए तनिष्क लिमिटेड को दैट इज फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन ये है कि भैया इसकी जो भी असेट है ना वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए मिस रीवैल्यूड नहीं होना चाहिए बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए थर्ड कंडीशन यहाँ पे यह है कि ये जो न्यू कंपनी बनी ना तनिष्क लिमिटेड ये तनिष्क लिमिटेड क्या करेगी पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर इशू करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट तो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को ये न्यू कंपनी शेयर इशू करने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रपोशनेट बेसिस पे होना चाहिए बेसिस मान लो फॉर एन दे डिसाइडेड द इक्विटी शेयर आपके पास टाइटन के है तो आपको केन इक्विटी शेयर तनिष्क का मिलेगा तो अगर मान लो मेरे पास फिफ्टी है तो मुझे टेन मिलना चाहिए तो प्रपोशन बेसिस पे उसका क्या होना चाहिए शेयर इशू होने चाहिए रिजल्टिंग कंपनी के शेयर

यहां पे ऊपर क्या बोला हुआ है कि भैया तनिष्क ज्वेलरी जो डिवीजन है इसके असैट ऑल अट एंड लाइबिलिटीज इधर ट्रांसफर होनी चाहिए और वो कौन सी वैल्यू पे होनी चाहिए बुक वैल्यू पे होनी चाहिए लेकिन आईसीडीएस के परपज के लिए नॉट आईसीडीएस बेसिकली आईसीडियस के लिए अब इंडेस टू थाउजेंड फिफ्टीन इंडेस रूल टू के एनेक्चर के हिसाब से बहुत बार क्या होता है असेट अदर वैल्यू पे ट्रांसफर होती है तो उस पर्टिकुलर केस में चलेगा अगर आपने इंडियस कंप्लायंस करने के लिए अगर अदर वैल्यू पे असेट को ट्रांसफर किया है तो चलेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अब एक बात समझना अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि देखो आप पहले टाइटन के शेयर होल्डर थे और अभी भी टाइटन के शेयर होल्डर तो हो ही हो अब आप ही का कंपनी टूट के एक नई कंपनी बन गया तनिष्क लिमिटेड अब आपको इस लिमिटेड के शेयर और मिल गए तो जब तनिष्क लिमिटेड के शेयर आपको मिल गए तो आपके हाथ में क्या होगा पहली चीज तो एक बात बताओ टाइटन का शेयर तो अपने पास अभी भी है

एन एग्जाम्पल टाइटन के शेयर मैंने टेन ईयर अगो खरीदे थे इन द वन लाख रुपेज वन लाख रुपेज में खरीदे थे अब टाइटन करके जो कंपनी है उसी का एक सेगमेंट अलग होके एक अलग कंपनी बन गई और मान लो इसके के मुझे शेयर मिल गए टू हंड्रेड शेयर मिल गए फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो टू हंड्रेड शेयर की कॉस्ट क्या होगी तो लॉमेकर्स बोलते हैं कि पहले आप एक काम करिए कि आपके पास डीमर्ज कंपनी का जो शेयर है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है है मल्टीप्लाई करिए कि ये जो डीमर्जर हुआ उसमें तनिष्क की, टाइटन की कितनी नेट असेट ट्रांसफर हुई है तनिश को फॉर एन एग्जाम्पल टू हंड्रेड करोड़ की असेट ट्रांसफर हुई है आउट ऑफ द टोटल नेटवर्थ ऑफ द फाइव करोड़

श के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा

की टोटल कॉस्ट कितनी थी मल्टीप्लाई करिए नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर डिवाइड बाय नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी जस्ट बिफोर द डीमर्जर और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो भी आएगा दैट

डी मर्जर भी टैक्स फ्री है तो जब भी डीमर्स कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को अट ट्रांसफर करती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता और रिजल्टिंग कंपनी के लिए कॉस्ट क्या होता है कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से और अगर इंडेक्सेशन होता है वो भी प्रीवियस ओनर से यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट और मुझे लगता है इससे एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहां पे अमेंडमेंट है एक सेक्शन हुआ करती है नाइनटी फोर द बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन सेक्शन है या तो कोई भी यूनिट खरीदते हो जैसे म्यूचुअल फंड यूटीआई की यूनिट खरीदते हो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट खरीदते हो या फिर किसी भी कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हो सिक्योरिटी में जैसे शेयर्स वगैरह खरीदते हो और वो शेयर्स वगैरह कब खरीद रहे हो बोनस मिलने के एग्जैक्टली exactly तीन महीने के पहले के अंदर अंदर मीनस ये बोनस का रिकॉर्ड डेट है बोनस का एक रिकॉर्ड डेट होता है जब भी कोई कंपनी है या म्यूचुअल फंड है वो बोनस देते हैं तो बोनस का एक रिकॉर्ड डेट होता है तो ये मान लो बोनस का एक रिकॉर्ड डेट है तो इस रिकॉर्ड डेट के एग्जैक्टली exactly थ्री मंथ के पहले के अंदर अंदर आप क्या करते हो सिक्योरिटी या यूनिट एक्वायर करते हो और यहां पर रिकॉर्ड डेट पर आपको बोनस यूनिट मिल जाती है या बोनस सिक्योरिटी बोनस शेयर मिल जाते हैं और आप क्या करते हो बताए इस रिकॉर्ड डेट से नेक्स्ट नाइन मंथ के अंदर अंदर नेक्स्ट नाइन मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हो कि जो ओरिजिनल शेयर या यूनिट्स था ना उसको सेल कर देते हो और बोनस शेयर्स या बोनस सिक्योरिटी है उसको हेल्ड करते हो मीन उसको अपने पास में रखते हो अब एक बात बताओ जैसे ही बोनस मिल जाता है उसके बाद क्या होता है मार्केट में प्राइस कम हो जाएगी तो ओरिजिनल को बेचने से आपको लॉस होगा लॉ मेकर्स बोलते हैं वो लॉस को हम आपको अलाउ नहीं करेंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे बट वो लॉस को हम क्या बना देंगे जितनी आपकी बोनस शेयर या यूनिट लेफ्ट आउट है ना उसकी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे सो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट यहां पे बेटा चार चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी क्या क्या चार चीजें ऑल पीपल पे अटेंशन लॉ मेकर्स बोलते हैं जैसे पहली चीज तो यह है कि ये concept पहले सिर्फ यूनिट पे लगता था बट बाय फाइनेंस एक्ट 2022 निर्मला बायसारमन जी मेड द अमेंडमेंट एंड नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर द सिक्योरिटीज सिक्योरिटी इसका मतलब बोनस शेयर भी इसमें कवर हो जाएगा अब आप मेरे भी तरफ देखो इधर देखो देखो बड़ा सिंपल है क्या मान लो बोनस का ये रिकॉर्ड डेट है ये जो है ये रिकॉर्ड डेट है बोनस का

एंड बोनस शेयर्स या बोनस यूनिट हेल्ड करते हो हेल्ड करते हो हेल्ड करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में ओरिजिनल को बेचने पे अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस को हम सेट ऑफ करने नहीं देंगे कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे और वो लॉस को हम क्या बना देंगे आपके बोनस यूनिट या बोनस शेयर जो है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे जो कि लेफ्ट ओवर है मतलब जितना बचा है उसकी उस कॉस्ट बना देंगे तो देखो मैंने क्या बोला ये आपकी रिकॉर्ड डेट है रेकॉर्ड डेट से एग्जैक्टली थ्री मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हो? या करते हो यूनिट हेल्ड के के करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में ओरिजिनल को बेचने पर जितना भी लॉस होगा वो तुम्हारे बोनस की क्या बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बन जाएगी मैंने इसके लिए सफिशियंट एग्जाम्पल दे रखे हैं अगर आप ये एग्जाम्पल चार सॉल्व कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा आराम से उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है कि अगर जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास में एक डिबेंचर है और डिबेंचर पे मुझे पता है थर्टी फर्स्ट दिसंबर को इंटरेस्ट मिलने वाला है तो मैं क्या करूंगा ट्वेंटी नाइन दिसंबर को वो बॉन्ड्स किसी को ट्रांसफर कर दूंगा इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा करके ठीक है और उसके दो दिन बाद वापस मैं खरीद लूंगा सेम रेट पे तो इंटरेस्ट इनकम उसकी इनकम बन जाएगी और मान लो उसको बेसिक एक्साम का बेनिफिट मिलता है कम रेट से टैक्स लगता है तो ये प्लानिंग हो जाएगी तो यहाँ पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है कि इंटरेस्ट डेट से पहले वो बॉन्ड्स या डिवेंचर को किसी को ट्रांसफर कर देता है इंटरेस्ट मिलने के बाद वो वापस री कर लेता है अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो इंटरेस्ट जो मिला है ना उस पर्सन को वो उसके हाथ में टैक्सेबल ना करके और ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल कर सकता है करके ठीक है ऑन द सेम लाइन देर इज वन मोर सेक्शन नाइन सेवन इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन सेक्शन आप स्किप भी कर लोगे तो भी चलेगा बट ये है क्या ये सेक्शन ये बोलती है कि मान लो आप क्या करते हो कि अगर मान लो आपको ये इंटरेस्ट मिलने वाला है यहां पे इंटरेस्ट मिलने वाला है उससे थ्री मंथ के पहले के अंदर अंदर उसके थ्री मंथ के पहले के अंदर अंदर आप कोई सिक्योरिटी या यूनिट एक्वायर करते हो पे आपको इंटरेस्ट मिल जाता है और वो इंटरेस्ट अगर टैक्स फ्री है है इंटरेस्ट क्या है है और इस इंटरेस्ट जब मिला इंटरेस्ट की जो रिकॉर्ड डेट है उसके थ्री मंथ के अंदर अंदर आप सिक्योरिटी सेल कर देते हो या नाइन मंथ के अंदर अंदर आप यूनिट सेल कर देते हो और अगर वो सिक्योरिटी या यूनिट को सेल करने पे लॉस होता है तो वो लॉस इग्नोर करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट जितना इंटरेस्ट एक्ट हुआ था जितना हुआ था, उस हद तक वो आपका क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा miss, उसको आप नहीं रखोगे टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड सबसे पहले दो तरह की कंपनी होती है इंडियन कंपनी एंड वन इज द फॉरन कंपनी इंडियन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है फॉरन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन सर डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है तो मैं बता दू देखो ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी जितनी भी इंडियन कंपनीज है वो डोमेस्टिक कंपनी है लेकिन एक चीज ध्यान रखना फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी अगर फॉरेन कंपनी मेड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया अगर फॉरेन कंपनी ने कोई प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किए हैं फॉर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया तो वो फॉरेन कंपनी है वो भी आपकी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी तो देखो मैं बोलूंगा ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी बट ऑल डोमेस्टिक कंपनीज आर नॉट इंडियन कंपनी बिकॉज फॉरन कंपनी कैन ऑलसो भी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी अगर उसने कुछ प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किए हैं फॉर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया अब ये प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं तो प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट में उनको शेयर सर्टिफिकेट शेयर रजिस्टर इंडिया में मेंटेन करना पड़ेगा एजीएम इंडिया में मेंटेन करना पड़ेगा एजीएम इंडिया में होगा एंड ऑल तो बट ऐसा होता नहीं है करके ठीक है चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और मैं एक बात बताऊं अभी आज की डेट में आपको डिविडेंड मिलता है ना वो आपके लिए आई एफ में टैक्सेबल होता है आई एफ में टैक्सेबल हो जाता है सीधा आप डिविडेंड को आई एफ में टैक्सेबल कर दीजिए करके ठीक है

26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है तो तो 15% एक चीज समझना वो सेक्शन हट आप तो आप 115 BBD को आप भूल जाना अगर आपने कहीं पहले पढ़ा हो अपन ने बुक में कवर नहीं किया क्योंकि वो हटा दिया गया है, अभी, अभी ध्यान रखिए डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है या फॉरन कंपनी से डिविडेंड मिलता है दैट इज द नॉर्मल टैक्स रेट इन ऑफ द रिसीवर लेकिन क्वेश्चन आता है टैक्सेबल कब होगा तो बेटा देखो डिविडेंट टैक्सेबिलिटी के लिए एक सेक्शन होती है सेक्शन सेक्शन करके और 8 ये बोलती है है कि अगर वो फाइनल तो फाइनल डिविडेंड टैक्सेबल आपके हाथ में उस में उस ईयर होगा जिस ईयर में वो कंपनी उसको एजीएम में डिक्लेयर करती है मीन कंपनी एजीएम में डिक्लेयर करती है उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा इफ इट इज अ फाइनल डिविडेंड देन इट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर इन द ईयर इन विच कंपनी डिक्लेयर दैट डिविडेंट इन द एजीएम बट अगर वो डीम डिविडेंट है या इंट्रीम डिविडेंट है तो आप ये ध्यान रखना इट विल बी टैक्सेबल इन दर इन इट इज रिसीव और पेड सो बेसिकली मैं ये बोलू के देखो फाइनल डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर इन द ईयर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड इन द एजीएम बट अगर मान लो डीम डिविडेंड है या इंट्रम डिविडेंड है जिस ईयर में आपको रिसीव होता है उस ईयर में आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अब एक और बात समझना सर आप बोल रहे हो डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर मान लो शेयर्स जो है वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो डिविडेंड विल बी टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। इफ शेयर्स आर स्टॉक इन ट्रेड डिविडेंट इज ऐसा मैं नहीं बोलता ऐसा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक दे रखा है एक डिविडेंड से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, वो बोलता है कि अगर मान लो आपके शेयर है वो स्टॉक इन ट्रेड है तो डिविडेंड विल बी टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा और भैया जब पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है तो बिजनेस के जितने भी खर्चे, वो खर्चे भी आप उसके सामने ले सकते हो बट अगर डिविडेंट में टैक्सेबल होता है ना तो you know आप कोई भी उसके सामने खर्चा नहीं ले सकते एक ही खर्चा ले सकते तो डिविडेंड के ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता उसके आगे आता है डीम डिविडेंड में बहुत सारी सेक्शन टू ट्वेंटी टू ए बी सी डी एंड ई करके सबसे पहले अपन बात करते हैं ए की ए को ऐसे याद रखोगे डीम ड्यूडेंट ए फोर असैट क्या ए फोर एप्पल नहीं ए फोर असैट

प्रिफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया बिकॉज़ इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर देते उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता होल्डर को अगर बोनस शेयर दिया या फिर किसी भी शेयर होल्डर को आपने डिबेंचर डिबेंचर स्टॉक डिपोजिट सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए तो डीम डिविडेंट माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्टेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं टू द एक्सटेंट अक्यूमलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जैसे मान लो किसी शेयर होल्डर को डिवेंचर दिए वेल्ल लेकिन बट कंपनी का अक्यूमिलटेड प्रॉफिट सेवन लैक ही है तो उसमें सेवन लैक डीम डिविडेंट माना जाएगा तो देखिए 222 A for asset, B for bonus share to preference holder or टू एनी शेयर होल्डर अगर आप क्या दे रहे हो डिबेंचर डिबेंचर स्टॉक डिपोजिट सर्टिफिकेट दे रहे हो तो उसके बाद टू ट्वेंटी टू सी सी का मतलब होता है क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी आप यह समझिए कि कंपनी क्लोज डाउन हो गई और जब कंपनी क्लोज डाउन कब होती है Liquidation पे Liquidation पे अगर शेयर होल्डर को कोई भी असेट बांटी जाती है तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्मिलटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट एंड टू ट्वेंटी टू डी का मतलब होता है रिडक्शन रिडक्शन इन इन शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल इसको डी को आप ऐसे याद रखिए डिक्रीज इन शेयर कैपिटल बहुत बार क्या होता है कि अगर मान लो किसी शेयर की फेस वैल्यू टेन रुपीज है और कंपनी क्या करती है टेन रुपीज को अगर एट रुपीज पे लाके और टू रुपीज शेयर होल्डर को वापस पे कर देती है टू होल्डर को दे देती है तो यहां पर शेयर

एबीसीडी और ई e में कुछ डिफरेंसेस डिफरेंसेस है पहले वो differences की मैं बात कर डिफरें तो डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं तो पहला डिफरेंस तो यह है कि देखिए 222 ट्वेंटी टू ए में हर जगह क्या लिखा हुआ है कि इट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्मलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और वहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैपिटलाइज और नॉट स अगर कोई भी कैपिटलाइज प्रॉफिट कर लिया है वो प्रॉफिट को भी कंसिडर करना पड़ेगा लेकिन टू ट्वेंटी टू ई में सिर्फ अक्यूमलेटेड प्रॉफिट लिखा हुआ है यहां पे वर्ड कैपिटलाइज्ड और नॉट नहीं लिखा हुआ दूसरी चीज टू ट्वेंटी टू ए बी सी डी जो है ना दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज बट टू ट्वेंटी टू ई इज क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है यहां पर अनलिस्टेड कंपनी करके ठीक है चलिए अब अपन पढ़ते हैं टू ट्वेंटी टू ई को टू ट्वेंटी टू ई क्या बोलती है आपका ध्यान इधर होना चाहिए टू ट्वेंटी टू ई ये बोलती है कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है और वो क्या करती है अपने किसी शेयर होल्डर को कोई लोन और एडवांस दे देती है क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को लोन और एडवांस दे देती है और उस शेयर होल्डर के पास टेन परसेंट और मोर का वोटिंग पावर है मिस इक्विटी शेयर होल्डिंग है तो गाइस वो लोन और एडवांस है ना दैट विल बी ट्रीटेड एस डीम डिविडेंट इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर वो लोन और एडवांस है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा इस शेयर होल्डर के हाथ में बट टू द दूमलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी तो मैंने क्या बोला देखो अगर कोई भी कंपनी है क्लोजली हेल्ड कंपनी और वो क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को लोन और एडवांस देती है जिसके पास टेन परसेंट और मोर का वोटिंग पावर है तो उस पर्टिकुलर केस में वो लोन और एडवांस है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा उस शेयर होल्डर के हाथ में टू द एक्सटेंट एक्टेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अब एक और चीज समझना अगर लोन और एडवांस उस शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता लेकिन लोन और एडवांस किसी कंसन को दिया जाता है कंसन का मतलब होता है कंपनी पार्टनरशिप फर्म एओपी बी उसको दिया जाता है और उसमें उस शेयर होल्डर का सबस्टेंशियल इंटरेस्ट है

तो ये डीम डिविडेंड माना जाएगा इस शेयर होल्डर के हाथ में टू द एक्सटेंट एक्क्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट यहां पे यूज नहीं हुआ है वेदर कैपिटलाइज और नॉट वर्ड यहां पे यूज नहीं हुआ है टू ट्वेंटी टू ई में सिर्फ एक्ूमुलेटेड प्रॉफिट वर्ड यूज हुआ है किसी कंसर्न को लोन दिया तो वो कंसर्न के हाथ में माना जाएगा। लेकिन यहां अगर शेयर होल्डर को लोन दिया कंसर्न को दिया या एनी पर्सन को दिया यहां पर डीम डिविडेंट शेयर होल्डर के हाथ में ही माना जाएगा ऐसा एक और आता है। अब एक और चीज समझना सर, यहां पे यहां आता है कि टेन परसेंट और मोर का वोटिंग पावर कब होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ द लोन मतलब जिस दिन लोन दिया जा रहा है इस शेयर होल्डर को या कंसर्न को या किसी और पर्सन को उस दिन इस पर्सन के पास टेन परसेंट और मोर का वोटिंग पावर वाला इक्विटी शेयर होल्डिंग होना चाहिए तो ही यहां यहां डिविडेंड डिविडेंड माना माना जाएगा यहाँ पे नहीं माना जाएगा अदरवाइज नहीं अब एक और चीज समझना सर अगर कोई कंपनी है उसने क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दिया और शेयर होल्डर ने क्या किया दूसरे दिन रीपे कर दिया वापस तो भी क्या डीम डिविडेंड माना जाएगा आंसर इज यस तो भी डिविडेंड माना जाएगा या फिर मान लो शेयर होल्डर जो है वो फिशियंट इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है इंटरेस्ट पे कर रहा है तो भी क्या डीम डिविडेंट माना जाएगा आंसर yes, तो तो दिया तो इट विल्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ दीज समझना यहां पर लॉमेकर्स ये बोलते हैं भैया यहां पर आपने लोन और एडवांस दिया तो डिम डिविडेंट माना जाएगा यहां तो एडवांस भी कवर है लेकिन एक एक्सेप्शन है कि यहां पे ट्रेड एडवांसेस कवर नहीं है ट्रेड एडवांसेस का मतलब होता होता है 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 कि बहुत बार क्या होता है? जैसे शेयर होल्डर वो एडवांस एडवांस ले लेता है कुछ कंपनी के के काम के लिए दैट इज कॉल्ड ट्रेड ट्रेड तो यहां कवर नहीं होंगे जैसे मैं दुबई गया और दुबई से मेरी कंपनी के लिए मेरे को कुछ कैमरा खरीदना था तो दिस इज कॉल्ड मैंने एडवांस लिया और उसी एडवांस से कैमरा कंपनी के लिए खरीद के आया तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड ये डीम डिविडेंट नहीं माना जाएगा अब यहां पे एक और चीज समझना

वो डीम डिविडेंड मान लिया गया 222 e में और उसके बाद में कंपनी क्या करती है एक्चुअल डिविडेंड देती है और एक्चुअल डिविडेंड को उस लोन के सामने सेट ऑप कर देती है एक्चुअल डिविडेंड जब दे रही है उस टाइम पे जो लोन है उस लोन के सामने सेट ऑप कर देती है एक्चुअल डिविडेंड को तो उस पर्टिकुलर केस में वो सेटअप वाला अमाउंट फिर डिविडेंड डिविडेंड डीम नहीं माना जाएगा क्योंकि तो माना जा को तो dividend, dividend माना जाएगा। अगर कोई कंपनी अपने को तो वो भी तुम्हारा डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा और उसके बाद में जो टू सी हमने पढ़ा था दैट इज क्लोज डाउन लिक्विडेशन एंड टू टू डी हमने पढ़ा था डिक्रीज इन शेयर कैपिटल वो दोनों ही सेक्शन के केस में नहीं लगेगी एंड उसके बाद में अगर मान कंपनी बनती होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इश्यू कर देती है तो वो तुम्हारा डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा यू गॉट माई पॉइंट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपोर्टेंट सेक्शन दैट इज सेक्शन एटीएम करके और एटीएम क्या बोलती है दैट इज द डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड अब एक बात समझना अगर एक कंपनी है उसको किसी दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो पहले वो आई में टैक्सेबल होगा अब यार एक बात बताओ वो कंपनी ने उसी डिविडेंड में से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया तो वो शेयर होल्डर के हाथ में वापस टैक्सेबल हो जाएगा तो यहां तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना तो इसके लिए लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं ए एम करके एक डिडक्शन की सेक्शन है ये डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स है लेकिन इसको पढ़ते हम यहां पे है ये सेक्शन बहुत ही सिंपल सी सेक्शन है ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी पहली चीज दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू द डोमेस्टिक कंपनी ये सेक्शन सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी को कोई भी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है

वो आई एफ में टैक्सेबल हो गया वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा उसके बाद में उसमें से एक डिडक्शन मिलेगा एटीएम का और वो डिडक्शन कितना मिलेगा पता है जितना इनका डिविडेंट इनकम इस बार बना है एंड जितना डिविडेंट इस कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है टू द ड्यू डेट अप टू द ड्यू डेट और ड्यू डेट का मतलब होता है रिटर्न फाइलिंग की डेट से एग्जैक्टली एक महीना पहले दैट इज कॉल्ड अप टू द ड्यूडेट इन सिंपल वर्ड मैं ये बोल दूं टैक्स ऑडिट की ड्यूडेट क्योंकि रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट से एक महीने पहले टैक्स ऑडिट होती है ऑडिट होती है तो ऑडिट की ड्यूडेट तक जितना इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है विच एवर इज लोअर है उतने का डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा कंपनी को जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं हमारी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड उनको किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड जो मिला फॉरेन कंपनी से मिला बिजनेस ट्रस्ट से मिला पहले हम आई में टैक्सेबल कर देंगे उसके बाद वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा अब डिडक्शन कितना मिलेगा पता है जितना डिविडेंड इनकम है

आपको पता है वो पैसा ब्लॉक होता है सिर्फ आपके अकाउंट से जब आप आईपीओ लगाते हो तो पैसा ब्लॉक होता है जाता जाता नहीं है बट पहले जाता था तो कंपनी को पैसा मिला और लॉ का रिक्वायरमेंट था कि कंपनी को उसको सेपरेट अकाउंट में पार्क करना पड़ेगा और जब भी शेयर का अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा जिन एप्लीकेशन को अलॉटमेंट नहीं हुआ उनका रिफंड हो जाएगा और बाद में वो पैसा यूज कर सकते हैं तो कंपनी ने क्या किया एक अलग अकाउंट में उस पैसे को पार्क कर दिया और वो पार्क करने के बाद अब जब पैसे को अलग अकाउंट में पार्क किया उस पर कुछ इंटरेस्ट मिल गया अब कंपनी ने क्या किया उस इंटरेस्ट को जो भी शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर थे उसके सामने एडजस्ट कर लिया शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर के सामने एडजस्ट कर लिया लेकिन असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि नहीं ये जो इंटरेस्ट मिला है इट शुड बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो क्या यहां असेसिंग ऑफिसर सही है या कंपनी सही है तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि नो दैट इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बिकॉज यहां पर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया अगर इन्वेस्टमेंट किया होता है उसका इंटरेस्ट आता है वो आपके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है यहां पर तो वो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट थी लॉ का रिक्वायरमेंट था कि उस पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा अलग अकाउंट में पार्क करना पड़ेगा इसके लिए उन्होंने अलग अकाउंट में पार्क किया और तो जो भी इंटरेस्ट आएगा दैट

वो डायरेक्टर का प्रीमाइसिस भाड़े पे लिया और भाड़े पे लिया और उसका रिपेयरिंग कराया तो डायरेक्टर का प्रीमाइसिस डायरेक्टर शेयर होल्डर था उसका प्रीमाइसिस भाड़े पे लिया और उसका रिपेयरिंग कराया तो क्वेश्चन ये 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 आता है क्या क्या 222 ई e में टैक्सेबल हो जाएगा क्या ये माना जाएगा डीम डिविडेंड माना कि इसमें बेनिफिट दे दिया शेयर होल्डर को और लोन और दे दिया आंसर इज नो ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाए गा करके ठीक है उसके बाद एक और केस लॉ है प्रदीप कुमार मल्होत्रा ये भी सेम ऐसा ही केस लॉ इसमें क्या हुआ कि शेयर होल्डर जो था प्रदीप कुमार मल्होत्रा उसने अपनी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थी उस कंपनी को क्या किया कुछ बेनिफिट दिया मिस मान लो फॉर एन एक्साम्पल

से लोन लेना था शेयर होल्डर को बोला तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी और मॉर्गेज कर देना उसने मॉर्गेज कर दी और उसके लिए उसको कुछ एडवांस दिया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या यह डीम डिविडेंट माना जाएगा आंसर इज नो ये डीम डिविडेंट नहीं माना जाएगा उसके बाद टॉपिक नंबर नाइन इज रिलेटेड टू द लिक्विडेशन लिक्विडेशन के केस में सर क्या क्या ट्रीटमेंट होगा टैक्स ट्रीटमेंट समझने की कोशिश करना सबसे पहले इन हैंड्स ऑफ द कंपनी कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है लिक्विडेशन के केस में कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा लेकिन एक बात समझना कंपनी जब असेट ट्रांसफर करेगी शेयर होल्डर को तो क्या कंपनी के हाथ में ये ट्रांसफर माना जाएगा और क्या कंपनी को कैपिटल गेन लगेगा आंसर इज नो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा इन सिंपल वर्ड मैं बता कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है इन केस ऑफ द लिक्विडेशन शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा तो एक बात समझना एक तो हमने 222 सी सेक्शन पढ़ा था और 222 सी क्या बोलता है सी का मतलब होता है क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी कंपनी का क्लोज डाउन हो जाता है लिक्विडेशन हो जाता है और के टाइम पे अगर कोई भी कंपनी है वो शेयर होल्डर को असट बांटती है तो इट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिडेंट टू द एक्सटेंट एक्टेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी तो पहले तो डीम डिविडेंड माना जाएगा इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर टू द दूमलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर नॉट एंड उसके बाद में यहां पे कैपिटल गेन भी लगेगा अगर शेयर होल्डर को कोई असेट मिलती है तो कैपिटल गेन भी लगेगा लेकिन कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे कैपिटल गेन किस पे लग रहा है क्योंकि उसका शेयर जा रहा है ना शेयर होल्डर का शेयर की वैल्यू है वो रेलिंग हो गई वो एक्सटिंग हो गई शेयर की आज कोई वैल्यू ही नहीं है करके ठीक है और लिक्विडेशन में शेयर होल्डर को असेट मिलती है तो जिस ईयर में असेट मिलती है जिस ईयर में उसको पैसा मिलता है उस ईयर में शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा अब ये कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे सबसे पहले शेयर होल्डर को जो मनी मिला है वो आप ले लीजिए दूसरा शेयर होल्डर को जो असेट मिली है उसकी आप फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो असेट मिली है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए जो भी टोटल अमाउंट आएगा उस टोटल अमाउंट में से जितना ऑलरेडी डीम डिविडेंड टू टू सी में माना जा चुका है

यहां पे ये कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में शेयर होल्डर को असेट मिलती है जिस ईयर में शेयर होल्डर को असेट मिलती है शेयर होल्डर को पैसा मिलता है उस ईयर में ये कैपिटल गेन लगेगा लेकिन एक बात समझना है यहां पे शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग आप कहां से कहां तक लोगे पता है जब शेयर खरीदा था तब से लेकर और कंपनी लिक्विडेशन में गई उस डेट तक का ही पीरियड ऑफ होल्डिंग लोगे

Cost of acquisition बन जाएगी. You got my point or not. Yes, compiler से सीधा question number two देख लीजिए. वो question वो रघु वाला है. अगर आप देखोगे, तो आपका ये फटाफट हो जाएगा. बाय के में क्या होगा तो दो चीज है सबसे पहली चीज ये कि अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा और अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉरेन कंपनी के केस में मीन्स अदर देन डोमेस्टिक कंपनी अदर देन द शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ दो तो बच गया फॉरेन कंपनी तो फॉरेन कंपनी अगर अपने शेयर को बायबैक करती है तो कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा कैपिटल गेन कैसे लगेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बायबैक प्राइस आ जाएगा आपका करके ठीक और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो शेयर का था वो लेस कर दीजिए जो बचेगा वो कैपिटल गेन बच जाएगा लेकिन बेटा एग्जाम में ये नहीं आने वाला एग्जाम में आने वाला है कि अगर मान लो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा डोमेस्टिक कंपनी वेदर वो शेयर आपका लिस्टेड शेयर है या अनलिस्टेड शेयर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट अगर डोमेस्टिक कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा तो डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो उस पर्टिकुलर केस में लॉ लॉमेकर बोलते हैं कि जो भी बायबैक प्राइस होगा माइनस इशू प्राइस इसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस पे इस डोमेस्टिक कंपनी को 23.296 परसेंट की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो जो भी बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस जो डिफरेंस डिफरेंस रहेगा ऑन दैट कंपनी विल पे द द टैक्स एट रेट डिफरेंसेंट प्लस ट्वेल्व परसेंट सरचार्ज ऑलवेज फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन मीन इफेक्टिवली ट्वेंटी पॉइंट टू नाइन सिक्स परसेंट के रेट से उस डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा विद इन फोर्टीन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द बायबैक बायबैक जिस दिन हुआ उससे फोर्टीन डेज के अंदर अंदर यह टैक्स पे करना पड़ेगा अब शेयर होल्डर के हाथ में क्या कैपिटल गेन लगेगा नहीं शेयर होल्डर के हाथ में एक्जेम हो जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ड्यू टू सेक्शन टेन थर्टी फोर ए अब एक और चीज़ समझना सर अगर मान लो फोर्टीन डेज में टैक्स पे नहीं किया कंपनी ने तो क्या होगा से को 1 पर और कंपनी जो है वो मानी जाएगी, उस पे पेनल्टी भी लग सकती है लेकिन सर आप बोल रहे माइनस इशू डिफरेंस पे टैक्स पे करना पड़ेगा बायबैक प्राइस समझ में आता है वॉट अबाउट द सर इशू प्राइस तो अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है रूल नंबर और फोर्टी भी रूल में बहुत सारे सब रूल है उसमें एक एक चीज है वो ओपन समझते हैं बड़ा सिंपल सिंपल है तो देखिए सबसे पहले अगर कोई कंपनी है उसने शेयर इशू किया था और लोगों ने सब्सक्राइब किया था तो उस पर्टिकुलर केस में इशू प्राइस कितना लिया जाएगा जितना कंपनी को पैसा मिला था इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम जैसे फॉर एन एग्जांपल एक शेयर है उसका फेस वैल्यू जो था दैट फेस वैल्यू वाज टेन एंड उसको इशू किया था सेवेंटी रुपीज पे इशू प्राइस सेवेंटी था बिकॉज क्योंकि उसमें आपका प्रीमियम है वो सिक्सटी था तो यहां पे इश्यू प्राइस कितना लिया जाएगा सेवेंटी लिया जाएगा कितना लिया जाएगा सेवेंटी लिया जाएगा अब एक और चीज समझना लेकिन अगर मान लो कंपनी ने पहले शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न कर लिया है एन एग्जाम्पल अभी बायबैक से पहले भी अगर मान लो शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न कर दिया है तो जितना रिटर्न कर दिया है वो आप इश्यू प्राइस में से लेस कर दीजिए जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर सेवेंटी रुपीज प्राइस था बट पहले ऑलरेडी सपोज फाइव रुपीज शेयर होल्डर को रिटर्न दिया था तो अभी इशू प्राइस कितना 65 बचा तो 65 विल बी ट्रीटेड एस द इशू प्राइस करके ठीक है चलिए उसके बाद में सब रूल नंबर थर्ड ये बोलता है कि अगर आपको कोई ईसॉप e में शेयर मिलता है तो उसका इश्यू प्राइस क्या होगा तो ईसॉप e में शेयर मिलता है उसका इश्यू प्राइस होगा उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर

मी आने वाले है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कंपनी के लिए आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से दु, 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 समझ रहे हैं क्योंकि कंपनी को टैक्स भरना है ऑन द बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस पे तो इशू प्राइस क्या होगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर तो ईसोप के केस में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी ट्रीटेड एज इशू प्राइस अब एक और चीज समझना अगर अमलगमेशन में अगर एक पुरानी कंपनी है वो नई कंपनी में मर्ज हो जाती है अब नई कंपनी है वो शेयर इशू करती है पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को तो सर इसमें इश्यू प्राइस कैसे निकालेंगे तो बड़ा सिंपल है कि पुरानी पुरानी कंपनी कंपनी ने जब शेयर किए थे तो पुरानी को कितना पैसा मिला था तो पुरानी कंपनी को जितना पैसा मिला था डिवाइड कर दीजिए नई कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है डिवाइड कर दीजिए नई कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है तो आपको पर शेयर का इशू प्राइस मिल जाएगा अगर डीमर्जर हुआ तो जैसे डीमर्जर के केस में अपन एग्जाम्पल लेते हैं वो टाइटन एंड तनिष्का तो टाइटन ने फॉर एन एग्जाम्पल पहले शेयर इशू किए थे वन लैक शेयर और उसका उनको हंड्रेड रुपीज के हिसाब से सपोज फॉर एन एग्जाम्पल वन करोड़ मिला था अब टाइटन का डी मर्जर हो गया तनिष्क अलग कंपनी बन गई अब तनिष्क लिमिटेड अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रही है टाइटन के शेयर होल्डर को ही करेगी ना तनिष्क लिमिटेड टाइटन के शेयर होल्डर को फ्री ऑफ शेयर इशू कर दिया टाइटन के शेयर होल्डर को जो तनिष्क लिमिटेड ने शेयर इशू किया तो तनिष्क लिमिटेड के जो शेयर है उसका इशू प्राइस क्या आएगा रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का इश्यू प्राइस क्या फॉर्मूला दिया फॉर्मूला क्या है किया था, तो कितना पैसा मिला था मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपरेंट डी मजर और डिवाइड नेटवर्थ जस्ट बिफोर द डी मजर कितना है वो जो अमाउंट आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द रिजल्टिंग कंपनी ये आएगा आपके रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का इशू प्राइस तो क्वेश्चन अब बचा कि सर डीमर्स कंपनी जो है उसके शेयर का इश्यू प्राइस अब क्या बचेगा तो डीमर्स कंपनी तो बचेगा वो तुम्हारे डीमर्स का इश्यू प्राइस बच जाएगा मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा अब एक और चीज समझना अगर मान लो बहुत बार शेयर इशू किया जाता है किसी असेट को असेट के बदले जैसे असेट आ रही है और शेयर इशू हो रही है या लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए शेयर इशू किया जाता है तो उसका इशू प्राइस लेना है आपको ध्यान रखना है एफ एम वी ऑफ द असेट और लाइबिलिटी एफ एम वी ऑफ द असेट और लाइबिलिटी जो असेट आ रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है या जो लाइबिलिटी आप सेटल कर रहे हो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है वो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपका इशू प्राइस माना जाएगा अब एक और चीज समझना एक और कॉन्सेप्ट आता है कि सर बहुत बार पहले डिबेंचर इशू किया था और डिबेंचर कन्वर्ट होकर उसके बदले शेयर अभी दे रहे हैं या फिर आपने सुना होगा पहले बॉन्ड्स इशू हुआ था बॉन्ड्स का कन्वर्सन हो के और अब शेयर दे रहे हैं तो वो शेयर का इशू प्राइस कितना होगा तो बड़ा सिंपल है कि आप एक काम करिए सबसे पहले कि भैया वो जो पुराना वाला तुम्हारा डिबेंचर था या जो पुराना वाला बॉन्ड्स था पुराना वाला जो इंस्ट्रूमेंट था यू कैन से दैट करके ये वाला ये मैं दसवा पॉइंट अभी बता रहा हूं कि पुराना वाला डिबेंचर था पुराना वाला जो बॉन्ड्स था उसको इशू किया था तो कितना पैसा मिला था कंपनी को वो पैसा टोटल ले लीजिए और डिवाइड बाय कर दीजिए अब कितने शेयर इशू कर रहे हैं तो वो एक शेयर का इश्यू प्राइस आ जाएगा अब एक और चीज समझना बोनस शेयर एंड सिक्योरिटी का इशू प्राइस क्या लिया जाएगा नील बोनस शेयर का इश्यू प्राइस है वो निल लिया जाएगा और अगर मान लो यहां पर आपका

पार्टनरशिप फर्म का कन्वर्जन हो जाता है कंपनी में या फिर प्रोप्राइटरी you know तो तो या पार्टनरशिप फर्म है अगर वो कंपनी में कन्वर्ट हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करेगी तो उसका इशू प्राइस कैसे लिया जाएगा तो उसका इश्यू प्राइस लेने के लिए आपको क्या करना है अट माइनस लाइविलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए उस कंपनी ने

और लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज भी आप बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए बट लाइबिलिटीज में एक चीज ध्यान रखना आपको रिजर्व सरप्लस नहीं लेना है उसके साथ साथ में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं लेना है अनबिलिटी एज वेल एज द कंट्रीज एंड लाइबिलिटी है वो आपको नहीं लेना है बाकी लाइबिलिटीज आपको बुक वैल्यू पे लेनी है तो असेट भी बुक वैल्यू पे लाइबिलिटी भी बुक वैल्यू पे तो अट माइनस लाइबिलिटी और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं वो आपका इशू प्राइस आ जाएगा यहां पर मैं बता दू मैंने सबके लिए एक्साम्पल दे रखे हैं तो इसको रीड करने के बाद अगर आप ये एग्जाम्पल देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इश्यू प्राइस कौन से केसेस में कैसे कैसे निकाला गया है आपको इजीली समझ में आ जाएगा करके ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले लेक्चर में हम चालू करेंगे जहां पे अपन वेरियस एंटिटी पे चलेंगे तो टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है उसके साथ साथ में आपका इलेक्टोरल ट्रस्ट है उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म है उसके साथ में आपका टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट है आई थिंक राइट इसके बाद टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा यस yes. तो ये अगले वाले रिविजन लेक्चर में हम ट्रस्ट टॉपिक है एक्रिएटेड इनकम तक है वो अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे करके ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है बाकी हर बार जैसे मैं बोलता हूँ एग्जाम्स है वो पास है और फटाफट फटाफट पढ़ने लग जाओ और चीज़ों को लाइक बड़ा चैलेंजिंग बनाना चालू करो आप जो भी आपके बिकॉज क्या होता है हर किसी का माहौल एक जैसा नहीं होता मेरे को कल परसों कोई बोल रहा था किसी का फोन आया सर पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि उधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए बार बार ध्यान इधर चला जाता है ऐसा नहीं करना है बहुत सारी ऐसी ऑड सिचुएशन रहेगी जहाँ पे आपको लगेगा बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना फिर अपने को आपको कंफर्ट जोन में डाल देते हैं कि चलो क्या फर्क पड़ता है करके नहीं पढ़ते हैं लाइट नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे आज करके ऐसा नहीं होता है आपके पास में बहुत सारे अदर साधन अवेलेबल है जिसको देख के और जिससे आप पढ़ सकते हो तो आपके हाथ में आपको क्या करना है बिकॉज क्या होता है ना इंसान जब मैं छोटा था तो क्या होता था कि अगर लाइट चली जाती थी तो थोड़ा अपने आप में खुशी होती थी अरे पढ़ना नहीं पड़ रहा लाइट गई है ना क्या फर बहाना है अपने पास में कुछ ना कुछ अपने आप को कंफर्ट जोन में डालने के लिए कोई चीजें है किसी ना किसी चीज को ब्लेम करने के लिए अपने पास है करके ठीक है वैसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है जितना टाइम आपको मिलता है जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है बिकॉज हर किसी के पास एक जैसे रिसोर्सेज नहीं होते बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को लाइब्रेरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है करके ठीक है उसको तो लाइब्रेरी में मिलती है फैसिलिटी लाइब्रेरी जाता है इसलिए वो ज़्यादा पढ़ लेता है ऐसा कुछ नहीं होता है मैंने आज तक तो जिंदगी में लाइब्रेरी नहीं गया एक बार लाइब्रेरी जरूर गया था उसके बाद वापस नहीं गया क्योंकि वहां देखा तो वहां तो लोग सब टाइम पास कर रहे हैं करके ठीक है किसी एक को जाना है वहां पर चाय पीने के लिए पंद्रह लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए एक घंटे बाद आते हैं एक दो दिन लाइब्रेरी गया तीसरे दिन मैंने सोचा कि भैया हमसे यहाँ पढ़ाई ना हो पाए हमसे तो घर पे ही पढ़ाई होगी तो घर पे ही फिर पढ़ना चालू किया अपने आप को अलग से आइसोलेट कर लिया किसी रूम में और उसके साथ में पढ़ना चालू किया करके ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा ध्यान रखो थोड़ा अपने आप को पुश करो मोटिवेट करो एवरी डे ट्राई करो थोड़ा 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 इम्प्रूवमेंट होता जाए खुश रहा करो मॉर्निंग में उठ के जो टारगेट सेट किए हैं वो कंप्लीट होने चाहिए इवनिंग तक और अगर नहीं भी होते हैं तो दूसरे दिन कंप्लीट होने चाहिए करके ठीक है और अपने आप को ऐसा डालो ना कि वो टारगेट्स जो आपने सेट किए वो कंप्लीट हो एक बार अगर मान लो नहीं होता है तो डोंट अगला दिन उस पर मत डालो अगले दिन वापस दूसरा टारगेट है वो कंप्लीट करो फिर आपको अंदर से दुख होने लग जाएगा यार कंप्लीट नहीं हुआ था पहले वाला टारगेट ठीक है तो भैया अगला टारगेट आप पूरा सीरियसली लोगे और उसको हंड्रेड परसेंट आप कंप्लीट करोगे चलो आज के लिए इतना बहुत है कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट रिविजन लेक्चर